सो गाइस वापस से आ चुका हूँ मैं आप लोगों के जले पे नमक छिड़कने। सो गाइस जैसे ही आप सबने फार कर थे कि लास्ट वाले एपिसोड में देखा होगा नहीं कि लास्ट वाले एपिसोड में होता कुछ ऐसा है, क्या होता है मैं भूल गया। जनता माफ नहीं करेगी। सो गाइस जैसे कि आप सबने लास्ट वाले एपिसोड में फार कर थे कि देखा होगा कि हमने कैसे अपने दोस्त जो थी हमारी दोस्त उसको कैसे बचा लिया था। तो अब हम लोग यहाँ पे आए अपने दो और दोस्त को छुड़ाने जिनके बारे में हमें हमारे जो दोस्त था वहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमें दोस्त मिला था उसने बताया था। तो उसके लोगों जो क्या बोला तूने लोगों जो थे उनके जो और यहाँ पे रहते हैं लोग उन्होंने बताया था कि हमारे जो दो दोस्त हैं उसको वहाँ से यहाँ पे लेके आ चुका है। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपनी बोट से यहाँ पे अपने दोस्तों को वापस से छुड़ाने। सो गाइस बिना किसी देरी के चलते हम लोग अपनी गेम की स्क्रीन पर। सो गाइस अभी मैं वो आइलैंड पे पहुंच चुका हूं और मैं अपनी बोट से आ गया था यहां पर और मैं यहां पे कैमरे से एक बार देख लेता हूं कि यहां पे कितने गार्ड हैं, क्योंकि अगर मैं कैमरे से देख लूंगा तो मुझे सारे गार्ड की लोकेशन एक बार में पता चल जाएगी। सो गाइस मैंने अभी सारे गार्ड की लोकेशन देख ली है जो कि मुझे कैमरे ने सब दिखा दिया है। तो और ये मार्क हो चुके हैं तो हमारे लिए ईजी होगा सारे गार्ड्स को मारना और अपने दोस्त को बचाना। तो यहाँ पे हमें कुछ मार्क दिख रहा है, शायद हमें इस गार्ड को मारना है, कुछ तो करना है। हाँ शायद इसको मारना है। तो मैं भी आराम से धीरे धीरे जाऊंगा इस गार्ड को मारने जिससे इसको कुछ पता ही नहीं चले कि इसको कौन मार के। तो ओ भाई सीधा इसके पीठ पे मैंने चाकू मार के इसको मार डाला है और हमने ये अलार्म था क्योंकि ऑफ कर दिया था, क्योंकि अगर अलार्म गलती से भी बच जाता तो सारे गार्ड जो थे वो अलर्ट हो जाते जिससे कि हमें इनको मारना मुश्किल हो जाता और वास जो था हमारे दोस्तों को लेकर वापस से भाग जाता। तो गाइस अभी मैंने कैमरे से देखा और मुझे और भी गार्ड दिख गए तो सारे गार्ड्स मार्क हो गए एक ही बार में। तो अब मेरे लिए और ईजी हो गया इन सबको मारना। तो अभी मैं आगे धीरे धीरे बढ़ता हूँ। वो सामने अच्छा टावर पे मुझे एक दिख रहा है गार्ड। अच्छा इसको नहीं दिखना पड़ेगा, इससे छुप के इसको मारना पड़ेगा वरना ये इसके पास एक और अलार्म है, अगर ये अलार्म बजा देगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। लग जा बस किसी तरह गया हेडशॉट, सीधा हेडशॉट दिया मैंने उसके सर। मार्क में एक ही आया था मैंने, अच्छा हुआ कैमरे से देख लिया वरना मुझे पता नहीं चलता। तो तीसरा भी लेफ्ट से तीसरा भी आ रहा है, आने दो आने दो, एक एक को मारूंगा आज, छोड़ूंगा नहीं। जानते नहीं ये कितना बड़ा प्रो हूं मैं इस गेम का, फार क्राई का। अरे भाई उधर कहाँ देख रहे हो, हम लोग देखा पेड़ के पीछे छुपे, इन बेचारों को दिख नहीं रहे और ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं। इनके क्या बोलूँ, इनके कान भी ख़राब है शायद। ये आग कैसे लगी, मैंने तो अभी तक एक भी गोली नहीं मारी, आग कहाँ से लग गई। अच्छा लगता है इन गार्ड ने खुद ही लगा दिया शायद। आजा आजा, अरे रुक जा कहाँ भाग रहा है ये, वो मार दिया। नहीं 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 चाकू से ये ले गया। वाह इस आपकी, ये तो मुझे मार ही देता एक ही बार में अगर जल्दी से उठ के चाकू नहीं मारा होता, क्योंकि गन मेरी रीलोड पे थी। ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा आग कैसे लग दी, इन्होंने खुद ही आग लगा दी क्या मारने के चक्कर में। इन्हें लग रहा होगा मैं वही छुपा हुआ हूँ, तो इन्हें लगा कि यार लोग आग लगा देंगे तो ये लोग मुझे बाहर निकल जाऊँगा मैं आग के डर से। लेकिन मैं निकला नहीं क्योंकि मैं वहाँ था ही नहीं, तो ये मुझे कहाँ से पकड़ेंगे। ये ले एक और गया, इनसे एमओ उठा ले तो मेरी एमओ ख़त्म हो जाएगी ना, तो दिक्कत हो जाएगी, एमओ है ही नहीं। गन कहाँ गई, अच्छा मिल गई, चलो हो गई 60 एम हो गई फुल सामने। अच्छा वो जो अच्छा गाइस जो सामने मार्क दिख रहा है ना, इसी के पास वो कीज़ है जिससे हमें केव के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। सामने जाके नहीं मार रहा ना, मैं चला तो जाऊँ सामने मारने, लेकिन मुझसे गलती से भी कोई गलती हो गई ना तो मैं गलती करने के लिए मैं ही नहीं बचूंगा, तो इसलिए मुझे ध्यान से खेलना पड़ेगा। ये ले एक और गया, दो ही दिख रहे हैं शायद, दो ही बचे हैं बस। आ जा आगे लग जा, दूर तक गोली नहीं जा पा रही है ना, गन स्नाइपर वगैरह होती ना तो मैं एक ही बार में एक शॉट में इनको मार लेता, लेकिन मेरे पास स्नाइपर यहाँ कहीं मिल नहीं रही ना। मुझे अगर मुझे स्नाइपर चाहिए थी तो मुझे रास्ते में एक आउटपोस्ट मिला था, लेकिन अगर मैं वो आउटपोस्ट पे रुक जाता उनको मारने तो मुझे यहाँ आने में देर हो जाती और रात हो जाना, रात में मारना इन लोगों को और भी मुश्किल हो जाता। चलो कोई बात नहीं, स्नाइपर तो मैं ऐसे ही आउटपोस्ट को मार के अपने दोस्तों को बुला के ले लूँगा अगर चाहिए होगी मुझे ज़रूरत पड़े तो। अब यही बचा है शायद आखिरी, हाँ यही बचा है, गोली मार मैं ऊपर हूँ। चलो गया चलो गाइस गया ये। अब मैं इससे चाबी ले लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि अगर मैंने चाबी नहीं ली ना, चाबी गलती से भी रहेगी तो मेरी इतनी मेहनत का फ़ायदा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को मार लिया लेकिन अगर चाबी नहीं मिल पाई तो क्या फ़ायदा मेरा, फिर मैं अपने दोस्तों को बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही, आज हमने पूरा आइलैंड जो था वास का ये वाला इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब हमें एक केव में जाना है जिसकी हमने चाबी ले ली है, तो अगले एपिसोड में हम वो केव में जाके अपने दोस्तों को पूरी कोशिश करेंगे कि बचा पाए। सो गाइस मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी एक और नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।